अबा कहता था आपको मेरे साथ ही चलना है, पांडव वन देखा है ना मथुबन में, तो पांडव वन के बाहर सारा पैदल करते थे, पैदल करके फिर पीस पार्क तक पहुंच जाते थे, पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ के वहां पहुंच जाते थे, परंतु बहुत खुशी में, ऐसा नहीं कि ये कैसे होगा, खुशी होती थी, खुशी में हम नाचते रहते थे। फिर वहां चेरी केरी होती थी, वो चेरी केरी खाई हमारा नाश्ता हो गया। ये नहीं होता था ये कैसे होगा, उसी में ही हम खुशी में नाचते रहते थे। क्योंकि हम जब भी अबू में आए तो अबू में एक भी गाड़ी नहीं थी, और अबू तो जंगल था, इतने मकान इतने दुकान वगैरह को थोड़ी थे। फिर हम कहते थे ये कैसे होगा, तो हम पैदल उतरते थे, और फिर रात्रि को आकर के एक स्कूल का हाल लिया था, वहाँ सो जाते थे, फिर सुबह को उठ के और फिर चलते थे, चलो अभी ऊपर चलना है। तो उन दिनों में अबू में कोई गाड़ी तो थी नहीं, तो पेठा वगैरह बराबर होता था ना, हम माथे पर रख कर के चढ़ते थे, परंतु खुशी में नाचते रहते थे। कभी ये नहीं हुआ ये तो मजदूरों का काम है, हम कैसे करेंगे, हमको बहुत बहुत। फिर हम पैदल ही चढ़ते थे ऊपर माउंट अबू रोड से, अबू पांडव वन पैदल ही चढ़ते थे खुशी में। बाबा कहता था जो गिरेगा वो फेर लूंगा। तो हम चार बहनें थी जिसको बहुत डायरिया हो गई, इतनी डायरिया बात मत पूछो। उसने हमको एक गोली थी, उसे एक गोली से चार चुटका करे, एक एक टुकड़ा खाया, हम ठीक हो गए। ये है बाबा की कमाल।